गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम मक्स भी कहते हैं और डेटा सेलेक्टर भी कहा जाता है। होता क्या है मल्टीप्लेक्सर? अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट लाइन्स एंड डायरेक्ट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन्स। इट मीन्स वॉट कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसके पास बहुत सारे इनपुट लाइन्स होती हैं, लेकिन आउटपुट लाइन्स क्या होती है? एक ही आउटपुट लाइन होती है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है, एक मक्स है, मल्टीप्लेक्सर, जिसे मैंने कहा मक्स भी कहते हैं। तो इसके पास क्या होती है, बहुत सारी इनपुट लाइन्स होती हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट इसके पास कितनी है, चार इनपुट लाइन्स है, लेकिन आउटपुट लाइन्स कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक। तो दिस इज आउटपुट लाइन और ये क्या है, हमारी इनपुट लाइन्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द सेलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ सेलेक्शन लाइन। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास इनपुट लाइन्स हैं और जैसे मैंने कहा कि एक ही आउटपुट लाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये इस आउटपुट लाइन पे सिर्फ और एट अ टाइम पे केवल एक ही इनपुट लाइन जो होती है वो क्या होती है, कनेक्ट होती है। यानी या तो ये इनपुट लाइन इस आउटपुट लाइन से कनेक्ट होगी, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, एट अ टाइम पे केवल एक ही इनपुट लाइन जो है वो आउटपुट लाइन से कनेक्ट होती है। और जो भी इस इनपुट लाइन पर जो भी डेटा प्रेजेंट होता है, जैसे जीरो या वन या बिट स्ट्रीम, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे आ जाता है, हमारे आउटपुट लाइन पे। तो यहाँ इन जो यहाँ पे हमने कितनी इनपुट लाइन्स ली हैं, चार इनपुट लाइन्स ली हैं। तो इन चार इनपुट लाइन में किस इनपुट लाइन को हमको सेलेक्ट करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे सिलेक्शन लाइन पे। तो या तो हम ये इस इनपुट लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको, या फिर इसको, या फिर इसको। तो किसको सेलेक्ट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पे क्या होती है, सिलेक्शन लाइन होती है। तो यहाँ पे हमने दो सिलेक्शन लाइन बनाया है। अब यहाँ पे दो ही सिलेक्शन लाइन क्यों बनाया है और चार ही इनपुट लाइन क्यों ली है, ये आगे नेक्स्ट पॉइंट हमको डिस्क्राइब करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, देयर आर टू की पावर एन इनपुट लाइन्स एंड एन सिलेक्शन लाइन्स हुज बिट कॉम्बिनेशन डिटरमाइन द इनपुट ऑफ इनपुट इज सिलेक्टेड। इट मीन्स वॉट, यहाँ पे हमारे पास कितनी इनपुट लाइन है, फोर इनपुट लाइन्स है। तो फोर क्या है हमारे पास, इनपुट लाइन्स। ठीक है, अब फोर इनपुट लाइन्स है तो फोर को हम कैसे टू की पावर में कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर टू। तो ये जो टू है ये कहलाएगा नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है, तो हमेशा जब भी इनपुट, जितनी भी इनपुट लाइन दी रहती है, जैसे यहाँ पे फोर दी हुई है तो हमने फोर इनपुट लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर को कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर टू। अगर सपोज यहाँ पे एट इनपुट लाइन्स होती, अगर एट इनपुट लाइन्स होती तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री। अगर यहाँ पे सिक्सटीन इनपुट लाइन होती तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर फोर। तो यहाँ पर ये जो फोर है, थ्री है, टू है, ये क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास चार इनपुट लाइन है तो दो क्या कहलाएगा, दो क्या होंगी, हमारी सिलेक्शन लाइन होंगी। इसलिए यहाँ पे चार इनपुट लाइन अगर दी हुई है तो दो ये क्या कहलाएंगी, ये हमारी दो क्या है, सिलेक्शन लाइन्स है, सिलेक्शन लाइन। ठीक है, जिसे मैंने किसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ पे, एस नॉट और एस वन से। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है समझना कि जब भी हमें इनपुट लाइन, जो जितनी भी इनपुट लाइन दी रहती है, हमेशा उसको हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है, टू की पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो इनपुट लाइन है, अगर हमारे पास दो इनपुट लाइन है तो कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी, टू की पावर वन के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ये वन जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा सिलेक्शन लाइन। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा सिलेक्शन लाइन। अगर हमारे पास फोर इनपुट लाइन है, ये इनपुट लाइन्स यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ अगर फोर है तो टू की पावर टू से फोर को हम लिख सकते हैं, तो दो ये है, क्या होगी, हमारी सिलेक्शन लाइन। अगर यहाँ पे एट इनपुट लाइन्स है तो टू की पावर थ्री, थ्री ये कहलाएगा सिलेक्शन लाइन। यहाँ पे अगर सिक्सटीन हमारे पास इनपुट लाइन है तो टू की पावर फोर, फोर क्या होंगी, हमारे पास सिलेक्शन लाइन होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है कि हमेशा इनपुट लाइन जो होती है वो टू, फोर, एट, सिक्सटीन, थर्टी टू, यानी टू के पावर्स में ही, टू के मल्टीपल्स में ही होती हैं।
ठीक है, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस फॉर्म में ही इनपुट लाइन्स होंगी, इतने नंबर में ही इनपुट लाइन्स मार्क्स में प्रेजेंट होंगी। अगर हम ये सोचे कि अगर सपोज हमारे पास 3 इनपुट लाइन हो या फिर 7 इनपुट लाइन हो, 6 इनपुट लाइन हो, तो दीज इनपुट लाइन्स आर नॉट प्रेजेंट इन मार्क्स। हमेशा इनपुट लाइन जो होती है वो हमेशा 2 के मल्टीपल्स में ही प्रेजेंट होंगी। 3 अगर 3 इनपुट लाइन्स है तो आप 3 को, अगर 3 सपोज 3 इनपुट लाइन्स है तो 3 को आप कैसे 2 की पावर में लिख सकते हैं? 2 की पावर में हम 3 को लिखना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 3, 7, 6 और जो इनके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो इनपुट लाइन्स मार्क्स में नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा देखने वाली चीजें हैं कि 2 के मल्टीपल में ही इनपुट लाइन होती है और जो 2 की पावर में जितनी भी पावर आती है वो उसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे हमने 4 इनपुट लाइन लिया है तो 2 सिलेक्शन लाइन होगी। अब यहाँ पे 4 इनपुट लाइन है और 2 सिलेक्शन लाइन है और 1 आउटपुट लाइन है, तो इसे हम कहते हैं 4x1 मक्स। क्या कहलाएगा ये? 4x1 मक्स, जहां पे 4 रिप्रेजेंट करेगा इनपुट को, ये 4 रिप्रेजेंट करेगा इनपुट लाइंस को और 1 रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट लाइंस को। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था मक्स का। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसका ट्रुथ टेबल फॉर्म होता है और कैसे इसका हम एक्सप्रेशन निकालते हैं मक्स का। ओके, तो यहाँ पे हमने 4x1 मक्स लिया है। अब 4x1 है इसका मतलब क्या हुआ? 4 इनपुट लाइन्स होंगी और 1 आउटपुट लाइन होंगी। अब 4 इनपुट लाइन्स हैं, 4 इनपुट लाइन्स हैं, तो 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 हमारी क्या होंगी? नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स। तो यहाँ पे हमने 2 सिलेक्शन लाइन लिखी हैं जिसे इंडिकेट किया है S0 और S1 से। अब यहाँ पे हम 4x1 मक्स का ऑपरेशन देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। देखिए, हम यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन है, कौन कौन सी? S0 और S1। ये सिलेक्शन लाइन LSB कहलाएगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाएगी, और ये हमारी कहलाएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। S0 और S1 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो 2 सिलेक्शन लाइन है यानी 2 वेरिएबल्स लिए हैं हमने, S0 और S1। तो 2 वेरिएबल है तो 2 के पावर 2 कितने कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पे? 4। कौन कौन से होंगे? 00, 01, 10 और 11। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है और चूंकि यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, 2 वेरिएबल है तो ऑब्वियसली 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। चूंकि 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने 4 इनपुट लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 सिलेक्शन लाइन होती S0, S1 और S2 तो कितने कॉम्बिनेशन बनते? 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन बनते। तो 8 डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन बनते, इसलिए हम यहाँ पे टोटल कितनी इनपुट लाइन ले सकते हैं? 8 इनपुट लाइन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास 4 इनपुट लाइन है तो 2 ही सिलेक्शन लाइन क्यों ली है? 3 सिलेक्शन लाइन क्यों नहीं ली या 4 सिलेक्शन लाइन क्यों नहीं ली? तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है कि अगर हमारे पास जब हम 2 सिलेक्शन लाइन लेते हैं तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 00, 01, 10, 11। ये तो ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने और हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए ईजी है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए S0 S1 की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 00 रखते तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट हो जाता? I0 सेलेक्ट होगा और I0 सेलेक्ट होगा और वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? आउटपुट से। सेम ऐसे यहाँ पे अगर S0 और S1 का दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? 01। तो अगर यहाँ पे हम 01 वैल्यूज देते तो कौन सा इनपुट जो है वो सिलेक्ट होता? I1 इनपुट, और I1 इनपुट जो है वो उस टाइम पर I1 इनपुट जो है वो आउटपुट लाइन से कनेक्ट हो जाता है। तो सेम ऐसे अगर 10 यहाँ पे हम S0 और S1 की जगह पे हम क्या रखते, क्या देते वैल्यू? 1 और 0। 10 वैल्यू अगर यहाँ पे दी जाती तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होती? I2 लाइन, और I2 लाइन जो है वो फिर किससे कनेक्ट हो जाती? F से। सेम ऐसे ही S0 S1 में जब हम 11 वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो कौन सी इनपुट लाइन सेलेक्ट होती? I3, और ये फाइनली किससे कनेक्ट हो जाती? आउटपुट लाइन से।
तो यहाँ पर एट अ टाइम पे हम देखेंगे कि एट अ टाइम पे केवल एक ही इनपुट लाइन जो होती है वो फंक्शन से कनेक्ट होती है, और कौन सी इनपुट लाइन जो है वो फंक्शन यानी आउटपुट लाइन से कनेक्ट होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे सिलेक्शन लाइन पे, कि सिलेक्शन लाइन पर आपने कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है। तो यहाँ पे चार डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं इसलिए फोर इनपुट लाइन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन होते, एट कॉम्बिनेशन होते यानी तीन सिलेक्शन लाइन लेते हैं, तो टोटल एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। और अगर टोटल एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते तो हम ये फोर इनपुट लाइन की जगह पे कितनी इनपुट लाइन लेते, एट इनपुट लाइन लेते। तो होप आपको समझ में आया होगा सिलेक्शन लाइन हम क्यों दो लेते हैं जब हमारे पास चार इनपुट होते हैं, तीन क्यों लेते हैं जब हमारे पास आठ इनपुट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका बेसिक ऑपरेशन भी आपको समझ में आया। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कि कैसे इसका ट्रुथ टेबल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमारे पास, हम यहाँ पे क्या वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हम किसको वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं सिलेक्शन लाइन को। तो सिलेक्शन लाइन पे हमारा कंट्रोल है, तो इसीलिए हम इसे सिलेक्शन लाइन भी कहते हैं और कंट्रोलिंग लाइन भी कहते हैं। कौन सी लाइन भी कहा जाता है, दीज आर द कंट्रोलिंग लाइन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ही जो है वो मक्स के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। कौन सा इनपुट फंक्शन यानी आउटपुट से कनेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, सिलेक्शन लाइन पे। यानी सिलेक्शन लाइन क्या है, यहाँ पे कंट्रोलिंग लाइन है। तो यहाँ पर हम जो इनपुट में लेंगे वो क्या लेंगे, सिलेक्शन लाइन। तो कौन सी दो सिलेक्शन लाइन यहाँ पे हैं, एस नॉट और एस वन। तो कितने कॉम्बिनेशन इसके फॉर्म होंगे, चार कॉम्बिनेशन, 00, 01, 10 और 11। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब हमारे पास एस नॉट और एस वन की वैल्यू 00 है तो कौन सी इनपुट लाइन जो है वो आउटपुट लाइन से कनेक्ट होती है, आई नॉट। और जब आई नॉट कनेक्ट होती है तो यहाँ पे फंक्शन में क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट वैल्यू क्या होगी, आई नॉट। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 01। तो यदि सिलेक्शन लाइन में हम क्या रखते हैं, 01, यानी सिलेक्शन लाइन में अगर मैं 01 वैल्यू दूंगी तो आउटपुट जो है वो किस लाइन को सेलेक्ट करेगा, आई वन लाइन को सेलेक्ट करेगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आई वन लाइन जो है वो आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगी और आउटपुट में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, आई वन। आई वन में जो भी डेटा आपने दिया है वो कहाँ पहुंच जाएगा, आउटपुट पर। सेम ऐसी अगला कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई, आई वन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, 10। तो अगर मैंने सिलेक्शन लाइन पर 10 वैल्यू दी है तो आई टू इनपुट लाइन जो है वो सेलेक्ट होगी और आई वन जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और आई टू जो है वो आउटपुट लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आउटपुट पर जो भी डेटा आपने प्रेजेंट, जो भी डेटा होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, आउटपुट पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टू। तो आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, आई टू। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन एंड लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे, 1 और 1। तो अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लाइन पे 1 1 वैल्यू दी हुई है तो I3 लाइन सेलेक्ट होगी, I3 इनपुट लाइन सेलेक्ट होगी और ये I3 लाइन जो है वो फाइनली आउटपुट लाइन से कनेक्ट हो जाएगी और फंक्शन में क्या वैल्यू आ जाएगी, I3। तो ये हो गया I3 वैल्यू। तो इस प्रकार से इसका मक्स का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम आउटपुट हमारा क्या है, हमने किसे इंडिकेट किया है, एफ से, यानी एफ हमारा क्या है, आउटपुट है, आउटपुट फंक्शन। तो इस आउटपुट का एक्सप्रेशन कैसे हम निकालेंगे, यहाँ इस ट्रुथ टेबल से। तो इस ट्रुथ टेबल में यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीज देखने जैसी है, सिलेक्शन लाइन कितनी है हमारी, एस नॉट एस वन। और तो ये सारे जो है वो मिन टर्म्स के फॉर्म में अगर हम रखें तो 00 का मिन, अगर 00 एस नॉट की वैल्यू 0 है, एस वन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मिन टर्म क्या होगा, एस नॉट बार और एस वन बार, ये इसका क्या कहलाएगा, मिन टर्म। नेक्स्ट मिन टर्म क्या होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, 01 कॉम्बिनेशन के लिए एस वन बार होगा और ये हो गया एस नॉट। इसके लिए क्या मिनटम निकलेगा, एस वन एस नॉट बार और इसके लिए एस वन एस नॉट। तो ये क्या हो गया, इसके मिनटम्स हो गए। तो फंक्शन जो है यहाँ पे कैसे बनेगा, एस नॉट बार और एस वन बार इंटू आई नॉट प्लस एस नॉट एस वन बार आई वन प्लस एस नॉट बार एस वन आई टू प्लस
एस नॉट एस वन आई थ्री। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो हमारी कौन सी लाइन सेलेक्ट होती है, आई नॉट। जब हम ये कॉम्बिनेशन देते हैं तो आई वन सेलेक्ट होती है, और जब ये कॉम्बिनेशन तो आई टू, और एस नॉट एस वन ये कॉम्बिनेशन जब आता है तो आई थ्री लाइन सेलेक्ट होती है। तो ये हो गया हमारा फाइनली फंक्शन, जो कि किसका है, 4x1 मार्क्स का है। इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में और भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, f इज इक्वल टू एम नॉट आई नॉट प्लस एम वन आई वन प्लस एम टू आई टू प्लस एम थ्री आई थ्री। अब यहाँ पे एम नॉट क्या है, स्मॉल m, हम जानते हैं कि स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, मिन टर्म्स को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेन टर्म्स को, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेन टर्म को या फिर प्रोडक्ट टर्म्स को, इसलिए इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। तो m नॉट यानी ये, ठीक है, तो m नॉट जो है वो इसकी वैल्यू कहलाएगी। तो मैं इसे लिख सकती हूँ m नॉट, ये क्या कहलाएगा, m1, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल 1 को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल 2 को। तो ये हो जाएगा m2। ये 11 किसको रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल 3 को। तो ये हो जाएगा m3। 00 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को। तो m नॉट 0। 01 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, डेसिमल 1 को। तो ये m1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है s नॉट बार और s1 बार किससे रिप्लेस हो गया है, m नॉट से। तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4x1 मार्क्स का एक्सप्रेशन, जो हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत हमको वहां पर पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे मार्क्स के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।